बस बेटा एक एक बात का ध्यान रखना, तेरे काका है ना बहुत सीधे हैं, पक्के उसूलों वाले, पर ये उसूलों का भार है ना सेठ हेमराज रतन सिंह जैसे बड़े लोग ही उठा सकते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग नहीं। और ये बात तेरे काका नहीं समझते, कारण के तारा काका बढ़िया छे पर बढ़िया नहीं, मतलब पढ़े लिखे हैं पर दुनियादारी नहीं समझते हैं। इसलिए बेटा ये रिश्ता पक्का करने के लिए थोड़ा बहुत समझौता करना भी पड़े ना, खर्चा उठाना भी पड़े, तो उन्हें मना मत करना, क्योंकि नरेन कुमार जैसा लड़का नसीब से ही मिलता है, और मैं बहुत खुश हूं उसके लिए। मेहुल बेटा कैसे भी करके ये रिश्ता पक्का करके ही आना बेटा, सब कुछ तेरे हाथ में है बेटा। काकी है, ऐसे हाथ मत जोड़ो आप है? मैं जा रहा हूं, मैं पक्का ये रिश्ता पक्का करके आऊंगा, कंप्लीट। मारा आशीर्वाद छे तने। नंदिनी दहेज के खिलाफ है। मैं भी आप ही का बेटा हूं बापू जी, नरेन हेमराज रतन सिंह, और मेरा उसूल मेरी नंदिनी है बापू जी। क्या सोच रही हो चंचल गौरी? कुछ नहीं। ऐसे कैसे नहीं, इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। जब चुप होता है तब तो पक्का सोचता है, और जब चेहरे पे सोचने वाले हाव भाव होते हैं तब तो एकदम सोचता है। अच्छा, आपने तो पूरी रिसर्च कर रखी है सोचने पे। वैसे मैं ये सोच रही थी कि आप नरेन और नंदिनी की शादी करवाने के लिए इतनी जल्दी मान कैसे गए? चंचल, बेटा है वो मेरा, याद हूं मैं बचपन में कितनी बार उसके लिए मैं झुका हूं ताकि मेरी पीठ पे बैठ के वो घुड़सवारी कर सके, और जब पीठ पे बैठता था घुड़सवारी करने तो वो चाबुक भी मारता था मुझे, और एक बार बक्कल लग गया था, चोट लगी थी मुझे यहाँ। वो मुझे याद नहीं, लेकिन वो आपको बेल्ट से मारता था। तो अब इतने सालों बाद अगर फिर से एक बार बेटे के लिए झुकना पड़े तो क्या हो गया? अपने बेटे के लिए चाबुक खाने के लिए तैयार हूं मैं। बस बेटा बस। क्या हुआ? I'm really sorry बाबूजी, मैंने आपको गलत समझा। मैं जानता हूं कि आपके प्यार दिखाने का तरीका अलग है, लेकिन बाबूजी मैं बस आपसे इतना जानना चाहता हूं कि नंदिनी को लेकर आपकी सोच एकदम कैसे बदली? देखो बेटा,
तुम्हारी पसंद मुझे भी पसंद है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि हर एक एसोसिएशन में फायदा तो होना ही चाहिए। और नंदिनी से शादी करके मुझे तुम्हारा कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर सुजान भाई की बेटी के साथ शादी करता तो तुम्हारा भविष्य सुवर्ण था। और बेटा प्यार का क्या है, वो तो किसी से भी हो जाता है, तुम्हें सुजान भाई की बेटी से भी हो जाता है। अब तुम्हारी मां को ही देखो ना, मैं उसे कोई भगा के लेके नहीं आया था, अरेंज मैरिज थी हमारी। और सबसे बड़ी बात, शादी से पहले मैंने तुम्हारी मां का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन फिर भी प्यार हो गया ना। और इतना प्यार हो गया कि जब उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ अमेरिका आ रही है, मैं टूट गया। चंचल एक बार अपने बेटे के बगैर रह सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बापूजी, बापूजी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नंदिनी आपकी सारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी। इतना भरोसा तो कर ही सकते हैं आप अपने बेटे पे। अरे कोई बात नहीं, सिखा देंगे उसे। और फिर हम हैं, मतलब तुम्हारी माँ है, पूरा परिवार है, अरे हम सब सिखा देंगे उसे। लव यू बाबूजी। ये है ईश्वर भाई, नंदिनी के मामा, और ये मेहुल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए। ये है, नंदिनी ने आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा खांडवी बना के भेजी है। खांडवी ले, वो हमारे ऐसे चंचल भाभी जैसी कोई नहीं बनाता। भाभी, ये तो एकदम आपकी जैसी दिख रही है और स्वाद में भी आपके जैसे ही है। आइए। वो हम लोग नंदिनी को डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बना पाए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर गृहस्थी चलाने के संस्कार और किचन चलाने का हुनर अपनी मामी से सीखा है, तो आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं है ईश्वर। वसंत जी, डबल लखोटिया का 70 करोड़ का पेमेंट आ रहा है जी। माल उसे तभी देना जब पेमेंट पूरा आ जाए जी। और वो डायमंड जो है वो नरेन को दे देना चेक करने के लिए, क्योंकि डी क्वालिटी के हाई कैटेगरी के डायमंड है। और बाद में अशोक भाई को 10 करोड़ का पेमेंट देना है, वो चेक मैंने तैयार रखा अकाउंटेंट के पास, वो उसे दे देना। और वो नेकलेस डिजाइन उनको दे देना ताकि नए कैटलॉग में वो डाल सके, ठीक है। अनान का ये ऑफिस में क्या है, हमारे स्टाफ में एब्सेंस बहुत बढ़ रही है, ध्यान रखो तुम। बहनों की लिस्ट बनाकर रखी है उन्होंने। धवल काका चले। मेहुल भाई याद से कॉल कीजिएगा। मामा जी। हाँ, बाय बाय नरेन भाई। जय श्री कृष्ण। बापू जी चलिए आइए। रौनक बेटा अच्छा हुआ तो आ गया। आजा तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ, नंदिनी के परिवार वाले आए, चल। रौनक ईश्वर भाई, भीड़ कम हो गई, अब आराम से बातें कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना घर दिखाना चाहता हूँ। सेठ जी, घर तो देख ही लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नंदिनी बहुत खुश है। अरे नहीं नहीं ईश्वर भाई, जिस घर में शादी करके आपकी बेटी, सॉरी आपकी भांजी आने वाली है, उस घर को देखना आपका फर्ज भी है
और आपका हक भी है। आइए। मितेश, मितेश देख, ये तब आएंगे ना तो उनको मेरे कमरे में भेज देना, तब तक मैं अलमारी में से गहने निकालती हूँ। ठीक छे मम्मी। अरे बाप रे, ज्वेलरी तो अलमारी में है ही नहीं। मामी, कौन से गहने? नंदिनी की शादी के लिए जो गहने तुम्हारी नानी ने रखे थे ना, अरे वो कब से अलमारी में पड़े हैं? क्या ऐसे ही रखना है? अरे अब तो उसे तुड़वा के नए भी तो बनवाने हैं ना। हाँ, मरी क्या, मामी ने अलमारी खोली और गहने नहीं मिले तो तूफान आ जाएगा। क्या करूँ। वेरी गुड नैना, अभी किसकी बुक चेक करेंगे? मेरा। अच्छा मैं की चेक करते हैं, चलो। वेरी गुड। गोट की स्पेलिंग नहीं आती? नहीं। गोट की स्पेलिंग क्या होती है? G-O-A-T। 10 बार लिखो। बुक दो। करेक्ट। एक मिनट आ। इस टाइम पे फोन करना जरूरी है, तुझे पता है ना मेरा ट्यूशन। अरे बहना, ट्यूशन विशन छोड़ो, सीधा घर पर आ। मामी गहने निकालने के लिए अलमारी खोलने गई है। गहने तो हमने बेच दिए, मामी निकालेगी क्या? बहना, तो तुझे पता है, मुझे पता है और मामा को पता है। मामी को थोड़ी पता है, जरा सोच। मामी को पता चला तो क्या होगा? तू रुक अभी, मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ। बच्चों जो चैप्टर दिया है वो दो दो बार पढ़ लो और 1 बजे खुद चले जाना, ठीक है? मैं आती हूँ। कितनी अजीब बात है वैसे, कितनी दूर से आए हैं, भूखे होंगे, एक घूंट पानी तक नहीं पीने दिया है रस्मों के नाम पर। रस्म रिवाज सिर्फ गरीब लोगों के लिए होते हैं भाभी। बाकी सुजान भाई भी आई गए थे ना यहाँ दावत उड़ाने, क्या वो लड़की वाले नहीं थे? घर आए मेहमान भूखे प्यासे चले जाए और हम कर भी क्या सकते? ले क्यों नहीं कर सकते, जब हमारे मायके वाले आते हैं तब हम कुछ ना कुछ तो करते ही है ना, वही करेंगे। अरे हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है ना। चल जल्दी से दूध गर्म कर। हाँ अभी करती हूँ। तू खड़ी क्या है, जल्दी कर, शक्कर दे मुझे हाथ में। नंदिनी दहेज के खिलाफ है। पता नहीं सेठ जी क्या करेंगे, कहीं रिवाज के चक्कर में फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।